नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव गोपाल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की पराठा। आप लोग इसीलिए कैसे घर पे आलू पराठा बना सकते हैं आप हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अब हम पहले डो लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं, ये मैंने आटा लिया है 500 ग्राम आटा। तो आप लोग आटा में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए। ये मैं डाल रहा हूँ सॉल्ट, और ये है वाटर। तो इसको अच्छा से मिलाइए। और इसको फिर थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा टाइम के लिए इसको ढक दीजिए। ऑलरेडी ये आटा मिला चुका है, मैंने गूंद लिया। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब हम इसको कपड़े से ढक लेते हैं माव को इम्प्रूव और ढलने के लिए। तो अब हम इस माव को साइड करके रखते हैं। तो अब हम चलते हैं मिक्सर बनाने के लिए। तो जब तक ये माव रेडी होगा तब तक हम मिक्सर बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा ले लेते हैं इसको बर्तन में। तो अब बर्तन में हम मिक्स करते हैं ये मसाला। तो डालते हैं इसमें थोड़ा सा पोटैटो। तो आप लोग जैसे हिसाब से पराठा बनाएंगे उस हिसाब से आलू लीजिए। तो ये देख रहे हैं हमने ऐड कर लिया आलू। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। स्वादिष्ट अनुसार आप लोग सॉल्ट डालिए। और अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें जिंजर चॉप। ये देख रहे थोड़ा सा जिंजर चॉप, और ये है ग्रीन चिली चॉप। तो हम डालेंगे इसमें ऐड करने जा रहे हैं ग्रीन चिली चॉप और कोरिएंडर चॉप, फाइनली ग्रीन कोरिएंडर चॉप। और दोस्तों मसाला के तौर पे ऐड कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, रोस्टेड जीरा सीड ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा जीरा सीड। और ये है रोस्टेड होल कोरिएंडर, क्रश कोरिएंडर है, देख रहे हैं ये क्रश कोरिएंडर सीड है। तो आप लोग ऐसे ही इसको तावे में भून के और क्रश कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं क्रश कोरिएंडर सीड, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और ये देख रहे हैं आप, अब हम ऐड करने जा रहे हैं अनारदाना पाउडर। ये है पोमोग्रेनेट सीड पाउडर, ऑलरेडी इसको मैंने क्रश करके रखा है। और आप ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा चटपटा के लिए, ये है चाट मसाला का पाउडर। और दोस्तों अब हम इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। आप लोग चाहे तो इसमें ऑनियन चॉप डाल सकते हैं, या रोस्टेड जीरा पाउडर भी करके डाल सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर चॉप भी डाल सकते हैं, और रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है मेरा सिग्नेचर पोटैटो पराठा, जो मैं आप लोग को ये रेसिपी लेके आया। आप लोग से मैं ऐसे ही घर पे बना के अपना जो पराठा होता है मिल्स के तौर से उसको एंजॉय कीजिए। तो इसको देखिए, ये ऑलरेडी मिक्सर ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसको स्टफ कैसे करते हैं दिखाएंगे। ये बहुत ही कॉमन और बेसिकली ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बेसिक मॉर्निंग हेल्थी पराठा बनेगा जो आलू की पराठा। तो दोस्तों अगर पोटैटो पराठा आप लोग खा रहे हैं अंदर फीलिंग ज्यादा ना हो तो पराठा का कोई मजा ही नहीं आता। तो आप लोग सेम इतना बड़ा बड़ा गोली बना के पोटैटो पराठा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो अपना जो माव होता है, जो डो होता है, उस डो को थोड़ा गीला करके मिक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा ये डो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छा से गोली बना लेते हैं। देख रहे हैं कितना मस्त का माव है। तो आप ऐसा छोटा छोटा करके गोली बना लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग गोल बना लीजिए, और इसको दो साइड में थोड़ा सा फोर लगा के ऐसे ही लाइटली बेलन पे थोड़ा बिग साइज का बेल दीजिए। देख रहे हैं मैंने कितना साइज में बेल के रखा है। और ये माव बहुत ही सॉफ्ट है, जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। आप लोग सेफ ऐसे ही छोटा करके इसको राउंड करके बेल लीजिए। तो सेम आप लोग ऐसे ही स्टॉपिंग कर दीजिए। टॉपिंग कर लीजिए। देख रहे मैंने और भी इससे माव भी काट के ऐसे निकल के रख दिया। आप लोग चाहे तो हाथ में ऐसे करके स्टॉपिंग कर सकते हैं, ऐसे हाथ में फैला लीजिए माव को थोड़ा सा। और ये जो आप आलू का गोली मैंने बना के रखा है इसका अंदर रख के इसको अच्छा से स्टॉपिंग कर लीजिए। देख रहे
इसको ऐसे अच्छे से घुमा अब हम इसको रोल कर लेते हैं। तो आप सेम ऐसे ही राउंड करके इसको अच्छा से प्याज से भी देखें, एक भी आलू पराठा आपका फटेगा नहीं, पूरा आपको सेम देखे इसका थिकनेस, एक भी आलू पराठा फटेगा नहीं, क्योंकि माव जितना सॉफ्ट होगा आलू पराठा उतना शाइनिंग आएगा। देखें सेम मैं आप लोग का सामने दिखा रहा हूँ, एक भी आलू पराठा फटेगा नहीं, फटने का कोई चांसेस नहीं। बात क्या है, ये माव दो जो होता है उसको मिक्स करने का ऊपर डिपेंड करता है आपका आलू पराठा का फटने का चांसेस है या नहीं है। सेम कोई फटने का जरूरत नहीं, ये देख रहे हैं सेम कुछ फटेगा नहीं। देख रहे हैं कितना ज्यादा करके स्टॉपिंग किया। आप लोग सेम ऐसा ही अपना घर में बना के आलू पराठा का एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये देख रहे हैं हमारा पराठा, अब हम इसको तावा में ग्रिल करते हैं। देख रहे वन बाय वन पराठा ऐसे ही आप लोग थिकनेस भी मोर पराठा रहेगा और आप लोग अच्छा से इसको भी ग्रिल कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो ऑयल डाल के भी इसको कुक कर सकते हैं, हम डालते हैं इसमें बटर। तो दोस्तों हम लोग ऐसे वन बाय वन अच्छा से इसको ग्रिल कर लेंगे, चारों तरफ अच्छा से आप लोग ग्रिल कीजिए। तो दोस्तों सेम ऐसे ही लाइटली ब्राउन करके आप लोग पराठा ग्रिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आलू पराठा का रेसिपी। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने फ्रिज में आलू पराठा और हैंग कट और यह लहसुन का चटनी का साथ इसको प्रेजेंटेशन किया हुआ है।